नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वृश्चिक राशि वालों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी किस्मत आपको बताएगा कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, उड़न खटोले पर सवार हुई आपकी किस्मत अब आपकी जिंदगी में बदलने में वक्त नहीं लगेगा। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, एक झटके में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा खास होने वाला है जो लोग अपने जीवन काल से, अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जी हाँ वृश्चिक राशि वालों, हमारी आपसे निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। आज की इस वीडियो ऐसे बातें बताई गई है जिन्हें अपने जीवन काल में उपयोग कर लेते हैं तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और हर समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। आप अपने जीवन काल में बिना रुकावट के आगे बढ़ने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप उन चीज़ों को भी प्राप्त कर सकते हैं जिन चीज़ों की प्राप्त करने की चाहत आप वर्षों से करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय ग्रहों की जो शुभ स्थिति बन रही है, इससे दोस्तों आपके भाग्य सातवें आसमान में कदम रखेगी, क्योंकि दोस्तों अब आपकी किस्मत ऊंची ऊंची उड़ान भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब उन कष्टों से छुटकारा मिलने वाला है जिन कष्टों से आप बहुत लंबे समय से घिरे हुए थे। वह सभी परेशानियों से, वह सभी संकटों से अब आपको निजात मिलने वाला है जो आपके और आपके घर को तबाह कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप सभी के जीवन काल में एक से बढ़कर एक खुशियां मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि यह समय आपको कौन कौन सी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, यह समय ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे। और दोस्तों हमारी आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों वीडियो को आप अंत तक नहीं देखते हैं, वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं या छोड़कर चले जाते हैं, इससे दोस्तों होता क्या है, आप जानकारियों को सही से समझ नहीं पाते हैं और इन सभी अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों अपना थोड़ा सा समय निकालिए और इसे अंत तक देखिएगा। जैसा कि दोस्तों हम आप सभी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे बात करेंगे आपका राशिफल। लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में अपने इन प्यारे हाथों से जय सूर्यदेव ओम सूर्याय नमः जरूर लिखें। इससे दोस्तों भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप सभी के शुभ काल में सदैव बनी रहेगी, तो आप जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आज का दिन अलग तरह के विचारों और दुविधा के नए पैदा हो रहे अवसरों के चलते थोड़ा सा उलझाने वाला रहेगा। विभिन्न शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेगी। अधिक सोचने और हर किसी को जो है खुश करने की कोशिश इस समय आप ना करें, अन्यथा आपके लिए दिक्कत होगा। देखिए आपको थोड़ा भावुक बनना होगा और थोड़ा जो है सेल्फिश बनना ही होगा। हर आदमी को खुश रखने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए परेशानी होगा और वह इंसान एक ना एक दिन सबसे पीछे रह जाता है। इसके स्थान पर आप अपने मन की ही सुने, जो आपका मन कहता है वही करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। भले ही आपको समय यह सुनना अच्छा ना लगे, लेकिन फिर भी आपको वही करना है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपको अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखना होगा। विशेषकर देखिए, जब आपके कामों की आंखों का विशेष काम है, जिनको ज़्यादा पढ़ने, फोटोग्राफ लेने या फिर पूरा दिन कंप्यूटर पर काम करना होता है, उन्हें अपनी आंखों की जांच करवाकर जो है आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए किताबें और कंप्यूटर स्क्रीन से अपनी थकी आंखों को आराम देकर जो है प्रकृति का दृश्यों से
निहारना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा विकल्प है, इसलिए आपको थोड़ा सा आराम देना ही होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष हैं। आपको किसी को भी आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शांत से अपने कार्यों से सबका अपना जवाब दीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। इस स्थिति में एक नया मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण जो है व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथी को भी आपका महत्व का पता चलेगा। तब तक आपको जो है इंतजार करना होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, देखिए सितारे कहते हैं उन लोगों के पक्ष में है जो कि अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में या संपत्ति खरीदारी के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का जो है अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इसके उपरांत इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देने वाला है। आपको बता दें अच्छे परिणाम के लिए आज आप अचल संपत्ति में भी निवेश शुरू कर सकते हैं, जो कि आने वाला समय में आपको लाभ ही लाभ देगा। देखिए दोस्तों, आपके दिल और दिमाग में प्यार रोमांस का जादू छाया हुआ है, और अगर आप अकेले हैं तो अब गंभीरता से कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढना शुरू करेंगे। अगर आप पहले से किसी के साथ तो हैं तो यह समय है कि आप संबंध को पहले स्तर पर ले जाएं या इससे खत्म करने के बारे में भी सोचें। इसमें किसी भी स्थिति में संबंध के मामले में आज बड़े बदलाव की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आप इस समय नया जीवन साथी भी नया पार्टनर बना सकते हैं या जो पुराना है इस समय छोड़ सकते हैं। ग्रह सितारे कहते हैं कि इस समय जो है आपके लव लाइफ में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आपकी कड़ी मेहनत और धैर्य की लंबी प्रतिबद्धता का फल आपको मिलने जा रहा है, और अब एक बड़ा अवसर आपके करियर को आगे ले जाने के लिए आपको मिल सकता है। अंततः आपको अपनी प्रतिबद्धताओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि अन्य लोगों के योगदान को याद करें और न भूलें, उनके साथ सदा विनम्र बने रहें। यह न केवल आपको लोकप्रिय बनाएगा बल्कि आपके भविष्य में भी काफी ज्यादा मदद करेगा। समय और ग्रह गोचर दोनों ही अभी आपके पक्ष में दिखाई दे रही है, आपको बस थोड़ा सा सावधान रहना होगा और इस समय सभी पहलुओं को देखकर जांच पड़ताल करके आगे बढ़ना काफी ज्यादा लाभ देगा। देखिए आप एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं और सामाजिक कार्यों में भी भाग लेते रहें। आज आपके इन गुणों की बहुत सराहना की जाएगी और उनके पुरस्कार भी दिया जाएगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए अद्भुत जो है लाभ भी मिल सकता है, और आप वह सब पा सकते हैं जो आप बलबूते पाना चाह रहे थे, जो सोच रहे थे इतना आसान नहीं है, वो सभी चीज़ें अब आपको